नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SSC क्लब में। और ये टारगेट MTS मैथ का सीरीज चल रहा है। मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन के 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं MTS में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप तीनों वीडियो उसे देख लीजिए, उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन 2013 से 2017 तक आ चुका है वो हम सॉल्व करेंगे, और परसेंटेज का क्वेश्चन जो भी आया है बहुत ही आसान है, इजी है। मैं पूरा शॉर्टेस्ट अप्रोच के साथ में बताऊंगा। शुरू करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है परसेंटेज का, मैंने इसका PDF क्रिएट कर दिया है, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैं एक बाई एक लूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2% कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 57% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड एंड वन बाय मेजोरिटी 42,000 वोट्स द नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इज। क्वेश्चन बोला जा रहा है जीतने वाला कैंडिडेट 57% लाया है और 42,000 वोट से जीता है, तो हारने वाला कैंडिडेट 43 लाया होगा, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 14% है। तो यही 14% क्या है, 42,000 के बराबर है। तो 14% 42,000 के बराबर है, तो 1% क्या हो गया, 42,000 डिवाइड बाई 14, और 100% कितना बराबर हो गया, 42,000 14 × 100, 14 से 3 बार में कट जाएगा, 3,000 आ जाएगा, और टोटल कितना आ जाएगा, 3 पे 5 0 मतलब 3 लाख, 3 लाख वोट्स टोटल पोल्ड है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ नंबर व्हेन रिड्यूस बाय 10% गिव्स 30 द नंबर ईच। एक नंबर है किसी उसको 10% घटा दिया गया है तो वो 30 बन जाता है, तो नंबर क्या है। तो कोई भी नंबर मान लेते हैं 100, तो उसमें 10% घटा दिया गया, 10% घटा दिया गया तो इसका मतलब वो 90 हो गया है। तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये 90 30 के बराबर है, तो 1 30/90 के बराबर है। तो 100 कितना बराबर हो गया, 30/90 × 100, तो यहाँ से 3 कट गया, तो 100/3, इसे पूरा सॉल्व किया जाए, 33 होल बाई 1/3। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एडेड टू 15% ऑफ 160 सो दैट द सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। सबसे पहले 15% निकालते हैं 160 का, और इधर निकालते हैं 25% 240 का, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 25% क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4, यहाँ 60 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करते हैं, तो 15 1/60 × 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 8, 2 से 5, 5 से 3, 24, तो यहाँ 24 में कितना ऐड किया जाए, 60 आ जाए, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है 36 आ जाएगा, 60 में 24 जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 36। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज बाय 20% टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड, द प्रेजेंट कंजप्शन इज टू बी रिड्यूस बाय। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसका पहले आप शॉर्टकट नोट कर लीजिए। अनचेंज्ड जो भी रहेगा उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 में प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज। 100 में कब प्लस करना है, जब इंक्रीज होगा, 100 में कब माइनस करना है, डिक्रीज करना है, बस इसे यूज कीजिए, आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 20% इंक्रीज हुआ, मतलब 20 × 100, और 100 में 20 ऐड हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, 20 से 6, ये 50, ये 3, मतलब 50/3%, और इसे होल प्लग में लिखा जाए तो 16 होल प्लग 2/3%। देखा आपने कितना आसानी से बन चुका है। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विल रिसीव अ 15% कमीशन ऑन अ सेल ऑफ 2800 इफ ही हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 150 ऑन दैट कमीशन, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द कमीशन इज। 15% कमीशन मिलता है 2800 का, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो 15% कमीशन क्या हो जाएगा, 15 × 28, 100 से कट जाएगा दोनों, और इसे सॉल्व करने पे कमीशन इसका 420 आ जाएगा, और उसे 150 मिल चुका है, 150 मिल चुका है, 420 में तो 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 270 रुपये, 270 रुपये उसका बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 20 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 20% एंड द ब्रेथ बाई 30%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया इज। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ कितना दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज से 20 और 30 का इफेक्टिव परसेंटेज निकाल दे तो एरिया में कितना चेंजेस आने वाला है वो पता चल जाएगा। तो ये शॉर्टकट आपको सभी को पता होगा, +R1 + R2 + R1 × R2/100, ये पता होगा, इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। 20 प्लस दोनों इंक्रीज हो रहा है तो दोनों प्लस में होगा, और प्लस 600/100, तो
यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 56% पूरा आ जाएगा। 56% क्या होगा, इंक्रीज्ड, 56% इंक्रीज। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ क्या दिया उसे मतलब नहीं है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। इच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया इज। इस तरह के तीन क्वेश्चन मैंने लिया है। एक रेडियस का है सर्किल का, जिसमें 10% इंक्रीज हुआ है। एक स्क्वायर का है, जिसमें एक साइड में 10% इंक्रीज हुआ है। और एक दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो मैंने दो बार इसे ले लिया है। तो ये तीनों एक तरह के क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे 7, 8, 9 तीनों एक तरह के क्वेश्चन है। तीनों में 10-10% का इंक्रीज हो रहा है। तो दो साइड होते हैं, दो रो मल्टीप्लाई होता है ये साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव परसेंट दो का निकालेंगे, 100/100। तो यहाँ से 21%, तीनों का 21% आने वाला है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 3,70,440, इट्स पॉपुलेशन 3 years अगो वाज। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाता है। 3 साल पहले कितना उसका पॉपुलेशन था, आज का पॉपुलेशन अगर दिया हुआ है 5% पर एनम उसका इंक्रीजमेंट है। तो मान लेते हैं 3 साल पहले एक्स था, तो उसका 105%। तीन बार हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 105/100, 105/100। और आज का वैल्यू दिया हुआ है 3,70,440। तो यहाँ से इसको काट देते हैं पहले, 21, 20, 21, ये मैंने 5 से तीनों को काट दिया है। 3,70,440 गुना ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 8,000 आ जाएगा। और यहाँ से 21 × 21 × 21। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले 21 से ही डिवाइड करके देख लीजिए, अगर कटता है तो सही, नहीं तो फिर 7 से काट दीजिएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ 7 का डिविटी रूल मैंने बताया था, 7 का डिविटी, 5 डिविटी रूल मैंने बताया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कार्ड्स पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने 5 डिविटी रूल बताया था 7 का। तो यहाँ से आप इसे आसानी से काट दें तो पूरा आंसर आ जाएगा 3,20,000। क्वेश्चन 11 देखते हैं। अ टू व्हीलर डिप्रिसिएट्स एट 20% ऑफ इट्स वैल्यू एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेम बी 90,000 एंड इट्स डिप्रिसिएटेड वैल्यू वुड बी 36,864 आफ्टर। कितने साल के बाद इतना हो जाएगा, आज का वैल्यू 90,000 है, कितने साल के बाद 36,864 रुपया हो जाएगा उसका, अगर वैल्यू 20% पर एनम घट रहा है। तो यहाँ से तो 90,000 इसका वैल्यू है, 90,000 वैल्यू है, तो कितना साल के लिए वो घट के इतना हो जाएगा हमें पता नहीं है। 80/100 हो जाएगा क्योंकि घट रहा है, यहाँ एन ले देते हैं। और 36,864 ये होगा, 4/5 आ जाएगा, तो 4/5 एन इक्वल टू हो जाएगा 36,864/90,000। आप देख रहे होंगे ये कट जाएगा 9 से, तो 9 से मैं काट देता हूँ, 4,096/10,000। 10,000 आ गया, यहाँ 4,096 है, इसे अगर 8 से काटा जाए तो 512 आएगा, और 8 से काटा जाए तो 1250 आएगा। 1250 512/125 × 10 लिखते हैं, 2 से काट देते हैं तो 256 आ जाएगा, और 2 से ये 5 आ जाएगा। तो देख रहे होंगे 4 के पावर 4 है, 4×16 = 64 × 256, और ये 5×25 = 125 × 25 = 625, ये 5 का पावर 4 है। तो 4 के पावर 4, 5 के पावर 4, मतलब कि 4/5, यहाँ 4/5 एन हो गया, और 4/5 के पावर 4 हो गया, तो यहाँ एन इक्वल टू 4 ईयर्स आंसर आ गया। क्वेश्चन 12 देखते हैं, जो कि लास्ट है। परसेंट स्पेंड 25% ऑफ इज एनुअल इनकम ऑन हाउस रेंट, 15% ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, 45% ऑन अदर आइटम। इफ ही सेव्स 14,400 एनुअली, देन द परसेंट टोटल इनकम इज। क्वेश्चन टोटल बोला जा रहा है कि इतना इतना परसेंट वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो बचा रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि पूरा ऐड करने के बाद 85 आ रहा है, इसका मतलब 15% वो बचा रहा है। तो यही 15% 14,400 के बराबर है, तो 1% क्या होगा, 14,400/15, 100 इक्वल टू क्या हो गया, 14,400 × 100/15। तो इसे अगर काटा जाए तो यहाँ से 9 बार में और उसके बाद 6 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब 96,000 इसका एनुअल इनकम है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन ये भी था। तो ये थे परसेंटेज के 2013 से लेकर 2017 तक जो भी क्वेश्चन आए थे, मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है, बहुत ही ईजी था। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्रॉफिट लॉस की वीडियो देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।